नानक मेहता का उल्टा चश्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अब मैं उस व्यक्ति से पूछूंगी जिनकी वजह से सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। मैं अय्यर जी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है? मैं ये कह रहा था कि मैं बताता है कि ये मेरा सीटर बबीता है। बिल्कुल सही, मैं बबीता जी की बात कर रही थी। तो बबीता जी आप तैयार हैं? जी जी। तो बबीता जी आपके लिए स्क्रीन पर तस्वीर ये रही। तो बबीता जी बताइए ये कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जहां हर कोई जाने के लिए आतुर रहता है? बबीता जी मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, मुझे आता है ना। अरे तो बबीता जल्दी जल्दी बताओ कौन सा मंदिर है? ये हमारे भारत का सुप्रसिद्ध माता रानी वैष्णो देवी का मंदिर है। बिल्कुल सही जवाब। माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत के जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर श्रद्धालु 13 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। वैसे अभी बूढ़ों और बच्चों के लिए पालकी की भी सुविधा है और अब तो टेम्पल पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का फैसिलिटीज भी है। स्थान पर देवी महाकाली, देवी महासरस्वती और देवी महालक्ष्मी पिंडी के रूप में विराजित। माता रानी की जय। तो बबीता जी अब पूछूंगी आपसे आपका दूसरा सवाल। अगली तस्वीर प्लीज। तो बबीता जी ऐसा माना जाता है कि ये वो नदी है जिसका जन्म स्वयं गणपति बप्पा ने किया है और ये नदी कर्नाटक से निकलकर सीधा बंगाल के समुद्र में जाके विलीन होती है। तो आपको इस नदी का नाम बताना है। बताइए बताइए कौन सी नदी है? बबीता जी और बोल और बोल, जीत पोरे है। अरे सुगंधा जी, भाई नदी तो सब सेम होती है, वो ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सी नदी है? सॉरी कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे बबीता की जगह मैं ये सवाल का जवाब दे सकता है। एक मिनट अय्यर जी, आप बबीता की जितने शॉपिंग कर सकते हैं? अरे कभी नहीं। उसके जितना अच्छा खाना बना सकते हैं? अरे नहीं, इल्ले इल्ले। तो फिर जवाब आप क्यों देंगे? उसी को दे दीजिए ना। बताइए बताइए बबीता जी, जल्दी जल्दी जल्दी, समय निकला जा रहा है। गोदावरी? नहीं सॉरी, नहीं गलत जवाब। बबीता जी जल्दी जल्दी, टाइम जा रहा है। सोचिए सोचिए। अरे 10, 9, 8, 7, 6, 5 सोचिए, 4, 3, 2 बबीता जी। अय्यर भाई आप बता दीजिए, आप ये कावेरी नदी है। बिल्कुल सही जवाब अय्यर जी। इस नदी का जन्म कैसे हुआ इसकी कहानी मैं बताता हूँ। दरअसल महर्षि अगस्त्य अपने गांव वालों के लिए पानी चाहते थे। उनके गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, तो शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ने उन्हें एक जल से भरा हुआ कमंडल दिया और कहा कि ये कमंडल का पानी आप जहां भी गिराओगे नदी वहीं से शुरू हो जाएगी। बड़े खुश होकर वो कमंडल लेकर अपने गांव जा रहे थे, लेकिन बीच में किसी कारणवश उनको रुकना पड़ा। अभी वो कमंडल नीचे रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने वहां पे खेलते हुए बच्चे के हाथ में वो कमंडल दिया। पता है वो बच्चा कौन था? कौन कौन? अरे हमें कैसे पता होगा तेरे जमाने के बच्चे के बारे में? अरे पोपटलाल, मैं हमारे जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पौराणिक कथा की बात कर रहा हूँ। अरे पता है मैं मजाक कर रहा हूँ। बताइए ना वीडियो अंकल, कौन था वो बच्चा? वो बच्चा था हमारे गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा जानते थे कि वो जहाँ पे खड़े हैं वो जगह नदी के लिए सही है, तो उन्होंने उस कमंडल को नीचे रख दिया। महर्षि अगस्त आए, उन्होंने देखा तो कमंडल नीचे रखा हुआ है,
और उस पर एक कौवा बैठा हुआ है। महर्षि अगस्त ने उस कौवे को हटाने की कोशिश की और उस कोशिश में उस कमंडल का जल नीचे गिर गया और उस तरह हुआ कावेरी नदी का जन्म। वाह 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 भिड़े वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, बबीता जी ने एक सवाल का जवाब तो सही दिया है, तो उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। I must say, ये दोनों सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। हाँ, लेकिन अब देखना ये है कि आपका परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग होता है या नहीं। बिल्कुल। वाह वाह बबीता, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मेरे अंदर से सैफ कुछ कहना चाहता है। सैफू, वेल यू आर टू गुड बबीता, वेल। और सैफू की मम्मी जो है वो बंगाल से है, तो वो भी कुछ कहना चाहती है। आमी तुम्हारे भालो भाषी जी, शर्मिला हूं मैं। सुगंधा जी बहुत बढ़िया। सुगंधा जी मत बोलो, अरे अगरबत्ती जैसा लगता है। वैसे मैं कहना चाहती हूँ, गोकुल धाम की एक बात है बहुत ही खास। यहाँ हर बात मीठी होती है, होती है हर चेहरे पर मुस्कान। टेंशन यहाँ टिकता नहीं, क्योंकि प्यार और भाईचारा है इनकी पहचान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे अगले कंटेस्टेंट कौन है। तो अगला कंटेस्टेंट है हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के एक मेव सेक्रेटरी की धर्म पत्नी माधवी भाभी। भिड़े बैठ जा, माधवी भाभी है। आई ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो माधवी जी आप तैयार हैं? हाँ। एक्सक्यूज मी सुगंधा जी, टफ क्वेश्चन पूछना है। हाँ, शिक्षक की वाइफ है, इन्हें तो सब आता होगा। अयो एक ऐसा कहीं नहीं है। तो माधवी जी आपके लिए पहली तस्वीर है ये, तो बताइए माधवी जी कि ये कौन सा मंदिर है और कहाँ है। माधवी हाँ? आता है ना तुम्हें? नहीं नो ओ अरे देवा आता है, ये आंध्र प्रदेश का विनायक मंदिर है, कनिपक्कम। वाह 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 माधवी भाभी, वाह क्या बात है, क्या बात है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। वाह खूब शान, थैंक यू। ये मंदिर के बारे में कभी सुना ही नहीं है ना। हाँ, और ये कितना ब्यूटीफुल मंदिर है। हाँ यार, ये जितना खूबसूरत मंदिर है ना, उतनी उसकी कहानी भी बहुत खूबसूरत है। हाँ माधवी आंटी, क्या कहानी है? हाँ ये सांगना, ये ना तीन भाइयों की कहानी है, एक अंधा, एक गूंगा और एक बहरा। अब इन तीनों भाइयों ने अपने रोजगार के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया खेती करने के लिए। खेती करते करते इनके कुएं का पानी खत्म हो गया, तो वो कुएं को और गहरा खोदने लगे। खोदते खोदते इनकी कुल्हाड़ी एक पथरीली चीज पे लगी, जिसमें से पहले तो पानी बाहर आया, उसके बाद खून की धारा आई, और इसके बाद इन भाइयों में जो कमियां थी ना, गूंगापन, अंधापन, बहरापन, वो कमियां दूर हो गई, क्योंकि वो पथरीली चीज कोई और नहीं, साक्षात गणपति बाप्पा की मूर्ति थी। और इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे स्वयंभू गणपति का नाम भी दे दिया। इस मंदिर की ये कहानी तो हमें पता ही नहीं थी। हाँ। और आपको पता है, आज भी ये गणपति बाप्पा की मूर्ति कुएं के बीचों बीच स्थापित है। दिन ब दिन इस मूर्ति की साइज आज भी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे कैसे अपने आप से साइज बढ़ रही है? यही तो चमत्कार है बड़ा। कुछ साल पहले किसी ने खुश होकर बाप्पा की मूर्ति को चांदी का कवच चढ़ाया था, लेकिन आज वो चांदी का कवच बाप्पा की मूर्ति के कद से बहुत छोटा है। इसीलिए इंडिया को कंट्री ऑफ मिराकल्स बोलते हैं। अरे भाई, हमारे भारत देश में पहाड़ों से लेकर नदियों तक सब कुछ इतना खूबसूरत है,
कि हमें विदेश घूमने जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा चाचा जी, इसलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा तो। माधवी जी दूसरे सवाल के लिए तैयार? हाँ। और ये रही आपकी दूसरी तस्वीर, तो बताइए ये कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? ये जल्दी कीजिए माधवी भाभी, आई नो ये कौन सा मंदिर है। लेकिन आपका चांस हो चुका है ना, आप नहीं बता सकती हैं। चलिए चलिए माधवी जी, सिर्फ 10 सेकंड बचे, चलिए मैं एक क्लू देती हूँ, ये एक माँ का मंदिर है। हाँ, ये कलकत्ता का कालीघाट मंदिर है। जी हाँ। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन जय काली। क्या बात है माधवी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लाइक को पढ़ा जी। इसके लिए आपको मिलता है एक बेहतरीन गिफ्ट। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये लीजिए आपका गिफ्ट। वैसे आप इतना सुंदर हो, ये परफॉर्म कर रही है ना, मतलब आपकी आवाज ऐसे कितनी कोमल, नाजुक, सुंदर है मुझे। अरे बेटी आशीर्वाद आशीर्वाद। आहा माधवी जी, अब मेरे अंदर से अन्नू जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके लिए। तो माधवी, इतनी आसानी से तूने दिया जवाब, तारारारा, इतनी आसानी से तूने दिया जवाब, तुझे नहीं लेना चाहिए था भाग, क्योंकि तूने आग लगा दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कंटेस्टेंट कौन है। अगला कंटेस्टेंट है वो जो सिर्फ एक है, उनके जैसा कोई और दूसरा है ही नहीं, और तो और उनका कॉलर हमेशा ऊपर रहता है। यस, बिल्कुल सही पहचाना। अगली बारी है हमारे एक मेव सेक्रेटरी भिड़े साहब की। गिफ्ट लेने कहाँ जा रहा है, पहले सवाल का जवाब तो दे। सॉरी। ओके, तो एक मेव सेक्रेटरी साहब अपने सवाल के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल। तो भिड़े जी, आपके लिए पहली तस्वीर है ये। ये चारों मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। आपको इन चारों मंदिर का नाम बताना है। लो बोलो। ये अपना भिड़े मास्टर शिक्षक है, इसका जवाब तो वो तुरंत ही देंगे। अरे मुंबई में रहने वाला कोई भी बता सकता है ये चारों मंदिर कौन से है। ये है महालक्ष्मी मंदिर, ये बाबुलनाथ मंदिर, ये मुंबा देवी मंदिर और ये सिद्धिविनायक मंदिर। बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो दूसरी तस्वीर है ये। अरे तो एकदम सिंपल है, ये गणपति बाप्पा का वाहन है मूषक। एक मिनट, ये गलत है भाई, ये चीटिंग है। भिड़े सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी है, इसने ये रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी की है, तो खुद के लिए दोनों आसान सवाल निकाल लिए। ओए पिडू, ओए ये तो गलत बात है ना यार। आदरम, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे एक मिनट यार, पोपटलाल तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने चीटिंग की है? चीटिंग एक बार नहीं 100 बार चीटिंग की है। मैं तो कहता हूँ कैंसिल करो भाई, ये प्रोग्राम को कैंसिल करो। पोपटलाल, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे जो सवाल है वो मैंने तय नहीं किए, टप्पू शरण ने तय किए। हाँ पोपट अंकल, बाबा की बात सही है, ये सवाल हमने तय किए हैं बाबा के लिए, और अभी तो ये सवाल पूरा भी नहीं हुआ है। अरे हाँ, सवाल ये नहीं है, सवाल कुछ और है। हाँ। अरे तो भी भाई सब लोग शांति से बैठ जाओ और पहले सवाल सुनो। बैठ जाओ। अरे इसकी वजह से। देखिए हम सब जानते हैं कि एक गणपति बप्पा का वाहन है मूषक, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गणपति बप्पा ने एक दानव को मूषक का रूप देकर अपना वाहन बनाया था,
तो आपको बताना है कि उस दानव का नाम क्या था। अरे देवा, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। हाँ, अब बोल। क्या हुआ शिक्षक साहब, नहीं आता जवाब? नहीं। अहो, Are you sure आपको इसका जवाब नहीं पता? बाबा सोचो। अरे बिल्कुल आता है, मैं तो मजाक कर रहा था। उस दानव का नाम था पोपटलाल। ये क्या पोपटलाल, क्या पोपटलाल? तुम सुन रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ नाम। अरे सुन रहा हूँ मैं, बोल ना, बोल। हाँ, तो उस दानव का नाम था गजमुखासर। गणपति बाप्पा ने गजमुखासर को मूषक बनाकर अपना वाहन बना लिया था। सही जवाब। बोला गणपति बाप्पा। बात है भिड़े जी, आपको भी दोनों सवालों के सही उत्तर देने के लिए मिलता है गिफ्ट। क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये लीजिए आपका गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तालियां तालियां। चलिए तो अब बारी है रोशन सिंह सोनी जी। शुरू का तो सवाल सुनने के पहले ही नाचने लगे। दोस्तों, गोकुल धाम में है इतने रंग कि दुनिया भी देखकर हो जाती है दंग। आज बबीता जी ने अफलातून परफॉर्मेंस दिया और भिड़े मास्टर और माधवी भाभी ने अद्भुत जवाब दिए। इससे हमारा रंगारंग कार्यक्रम और भी रंगीन हो गया। दोस्तों, हमारा भारत देश विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और समाज से बना हुआ है। हम यहाँ पर अपने धर्म के साथ साथ सर्व धर्म संप्रदाय में भी विश्वास और आस्था रखते हैं। हमारे भारत देश में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, देरासर, अग्यारी सभी धर्मों के लिए धर्म स्थान बने हुए हैं और वहाँ पर लोग अपने धर्म का पालन भी करते हैं, और ऐसा करने से जो आनंद मिलता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भारत के कई ऐसे धर्म स्थल हैं जिनके बारे में शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन हम पूरी जानकारी देते रहेंगे और साथ में हंसी और ठहाके भी मिलेंगे। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।